गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। चलो अब फटाफट करते हैं प्रश्नों को हल। पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब आयोजित किया जाता है, जिसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 23 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 23 मई, तीसरा ऑप्शन है 23 फरवरी, चौथा ऑप्शन है 23 जुलाई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। आपको पहली जैन सभा बतानी है, जिसके चार ऑप्शन है नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, पाटलिपुत्र, जिसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन चार इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कब की गई थी, जिसके चार ऑप्शन है 1856 में, दूसरा ऑप्शन है 1864 में, तीसरा ऑप्शन है 1853 में, चौथा ऑप्शन है 1854 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1853 में, भारत में सूती मिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोकायुक्त के कार्यकाल को 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, जिसके चार ऑप्शन है, पहला है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसके चार ऑप्शन है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी और गोदावरी नदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आसियान व्यापक है आर्थिक सहयोग करार कब प्रभावी हुआ, जिसके चार ऑप्शन है 2005 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किसका अग्रिम उत्पादक है। दोस्तों इसका चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मांस, शुक्र मांस, मक्खन तथा घी और चीज़ यानी पनीर। पनीर को चीज़ भी कहा जाता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका, भारत मांस का अग्रिम उत्पादक देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। चार ऑप्शन है आपके सामने, असम, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा असम, राज्य का बिहू प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है। दोस्तों इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी और उपयुंग सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुंग सभी, राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है। तो दोस्तों इसके चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किसने की थी। दोस्तों तीसरी आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकेंड ऑप्शन है विवेक गिरी, थर्ड ऑप्शन है
वी डी कला, और फोर्थ ऑप्शन है फखरुद्दीन अली मोहम्मद। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फखरुद्दीन अली मोहम्मद, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किसके नाम पर की गई है? दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी के नाम पर स्वस्थ भारत अभियान योजना प्रारंभ की गई है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो रेलवे डी ग्रुप में पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी जा रहे भी हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शेला सुरंग परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? दोस्तों इसके चार ऑप्शन आपके सामने, मनीला, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और जिनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताना दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थापित है। अगला क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभकर किस वन्य जीव को बनाया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, जिसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जिसके चार ऑप्शन आपके सामने, नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है कानपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का स्थापना हैदराबाद में की गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं दोस्तों, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, पहला है विनोबा भावे, सेकंड ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सूर्योदय, दूसरा ऑप्शन है आर्य, तीसरा ऑप्शन है टाइम्स ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है यंग इंडिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको यंग इंडिया हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा,